नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मेसी फर्गुसन 72-50 और मेसी फर्गुसन 72-35 का रिव्यू करेंगे, दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं भाई दोनों ट्रैक्टर के डिज़ाइन की। जो मेसी 72-50 है वो बिल्कुल आगे से लुक मेसी 95 की तरह दिया हुआ है, जो प्लेनेटरी प्लस है मेसी 95, और जबकि 72-35 का लुक बिल्कुल मेसी 241 की तरह दिया हुआ है। और टायरों की अगर बात करें तो 72-50 में अगले टायर आपको 750/16 और आप 616 के भी ले सकते हो, ऑप्शनल है। और जो पिछले ऑप्शनल है 72-50 में वे है 13/6/28 के भी ले सकते हो आप, और 14/9/28 के भी। जो मेसी 72-35 है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 6/16 के अगले टायर मिलेंगे आपको, और पिछले टायर 12/4/28 के। अब बात करते हैं बोनट के बारे में। तो दोनों ट्रैक्टरों में सेम बोनट सिंगल बोनट के साथ है और अंदर ही फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 72-50 में 55 लीटर की भी फ्यूल टैंक मिलेगी, जबकि मेसी 72-35 में आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी। फिर बात करते हैं भाई दोनों ट्रैक्टरों के गियरों के बारे में। तो दोनों ट्रैक्टरों में गियर बिल्कुल सेम है, 8+2 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स आते हैं दोनों ट्रैक्टरों में। और दोनों ट्रैक्टर ऑप्शनल है, पावर स्टेयरिंग में भी ले सकते हो आप और मैनुअल स्टेयरिंग के साथ भी ले सकते हो। लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करें इन दोनों ट्रैक्टरों की तो 72-50 बाजी मारता है भाई, इसमें 2300 के जी लिफ्ट कैपेसिटी है, जबकि 72-35 में केवल और केवल 1200 के जी लिफ्ट कैपेसिटी है। HP की अगर बात करें दोनों ट्रैक्टरों की तो मेसी 72-50 स्पोर की कैटेगरी में आता है और मेसी 72-35 स्पोर की कैटेगरी में आता है। दोनों ट्रैक्टरों में 3 सिलेंडर इंजन है और 72-50 में 2700 cc का इंजन है, जबकि 72-35 में 2200 cc का इंजन है। अगर प्राइस की बात करें तो ये 72-50 6,30,000 के बजट में के अंदर आ जाता है, जबकि 72-35 5,00,000 के अंदर ही आ जाता है। सबसे मेन जो चीज़ होती है भाई पावर होती है। पावर की अगर बात करें तो 72-50 में 36.76 किलोवाट की पावर है और 72-35 में 25.73 किलोवाट की पावर है। और इसमें ट्रांसमिशन 72-50 में कॉम्फी मैस मतलब कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स है और इसमें 72-35 में साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स है। मैक्सिमम स्पीड 72-50 में 33.2 और 72-35 में 32.2। तो ये दोनों ट्रैक्टर भाई लोडर के लिए है, मतलब जिसको ट्रैली या बाड़ा वगैरह करना है उसके लिए काफ़ी अच्छे है और सस्ते ट्रैक्टर है ये दोनों ट्रैक्टरों में। क्लच की अगर बात करें तो 72-50 में डबल क्लच है और इसमें सिंगल क्लच है भाई 72-35 में। PTO स्पीड की अगर बात करें तो 72-50 में 540 RPM 1735 ERPM पर बना देगा भाई, और जबकि इसमें 540 की स्पीड नहीं दी गई है 72-35 में। और लेंथ की अगर बात करें दोनों ट्रैक्टरों की भाई, लेंथ है 72-50 की 3545 mm, जबकि 3400 mm इसमें 72-35 में दी हुई है। व्हील बेस है जो 1930 mm 72-50 का दिया हुआ है और 1920 mm 72-35 का। हाइट की अगर बात करें तो वही है 1560 mm ऊंचा है वही ये 72-50 72-35 से, जबकि 72-35 में वही हाइट 1230 mm दी हुई है। और ट्रैक्टर के वेट की अगर बात करें 2045 kg 72-50 का वेट है टोटल और 72-35 का वही 1800 kg। ब्रेक्स की अगर बात करें दोनों ट्रैक्टरों में ऑल एमरेस्ट ब्रेक आते हैं। सबसे मेन डिफरेंस जो इन ट्रैक्टरों का है भाई, एक तो लुक का है मेन डिफरेंस और एक है रेट का, प्राइस रेट का और HP का जो इंजन HP है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इन दोनों ट्रैक्टरों में, और कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिस भाई को जन सा ट्रैक्टर लेना है तो फंक्शन हमने सारे बता दिए हैं, जो पसंद आए वो ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद ही आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।